दोस्तों के काम आए जो दुश्मनों के रंग उड़ाए जो उलझनों को सुलझाए जो राजा रैंचो राजा रैंचो राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग राजा रैंचो राजा रैंचो राजा रैंचो। नमस्ते। नमस्ते। हेलो रैंचो, ऊपर जाओ। माफ कीजिएगा शीला देवी, मैं जानता हूं आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन एक डिटेक्टिव होने के नाते मुझे आपसे जी नहीं, इस केस की तहकीकात के लिए आपको जो मदद चाहिए वो आपको मिलेगी। थैंक यू। यू वेलकम। गुप्ता जी का कत्ल सुबह 10 और 12 के बीच हुआ था, उस वक्त आप कहां थी? मैं राकेश शर्मा के स्टूडियो में थी। राकेश शर्मा? जी, पेंटर राकेश शर्मा। नहीं पवन, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भीखू के कत्ल में और गुप्ता साहब के कत्ल में ज्यादा दिनों का अंतर नहीं था। भीखू गुप्ता साहब का ड्राइवर भी था। आपका मतलब है ये दो कत्ल जो अलग अलग लगते हैं कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हैं? लगता तो यही है। अच्छा, तुमने गुप्ता जी के परिवार वालों के बारे में और जानकारी हासिल की? जी सर, काफी छानबीन के बाद ये पता चला है कि उस घर में सभी लोगों की नजर गुप्ता साहब की जायदाद पर थी, और खासकर दो ऐसे लोग हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। एक विकास, जो जुए में हारे हुए पैसे वापस नहीं कर पा रहा था, और क्लब वालों ने उसे फोन पर धमकी भी दी थी। उसके पास एक ही रास्ता था पैसे वापस करने का, गुप्ता साहब की जायदाद में उसका हिस्सा। और वो उसे मिलना नहीं था, क्योंकि गुप्ता साहब के वकील अग्रवाल से मुझे पता चला है कि मरने से पहले गुप्ता जी अपनी वसीयत बदलना चाहते थे। और दूसरा अजय। अजय? अरे रैंचो, तुम अंदर आओ। आओ, अरे आओ, कम आओ, आओ, आओ रैंचो, कम ऑन सर। ये फोटो। अरे गुप्ता जी की फोटो। पवन, रैंचो, क्या बात है, यहां क्या कर रहे हो? चलो तुम्हें गुप्ता जी क्या छोड़ दूं? गुप्ता जी क्या छोड़ दूं? नहीं, वहां नहीं जाओगे? क्यों, अच्छा नहीं लगता? अच्छा अच्छा, तो यहीं रहोगे? यू आर वेलकम फ्रेंड, यू आर मोस्ट वेलकम। पवन, मैं समझ गया सर, हम 2 से 3 हो गए हैं। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे अजय के बारे में? मशहूर कैबरे डांसर रीटा की बहन सपना का प्रेमी है अजय। सपना अजय के बच्चे की मां बनने वाली है सर। इस बात को लेकर अजय और गुप्ता साहब में काफी झगड़ा हुआ, और सर ये झगड़ा जायदाद के झगड़े तक पहुंचा। I see. और मैं देख रहा हूं कि अजय के साथ साथ एक नामी गुंडा भी है जिसका नाम है तिवारी। गुप्ता साहब के भतीजे के साथ एक गुंडा? चोर चोर मौसेरे भाई, तुम जरा तिवारी पर नजर रखना। यस सर। मैं अजय से निपट कर आता हूं। यस सर। एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर राजा, आप और हमारी फैक्ट्री में आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। मैं आपके घर गया था असल में, वहां आप मिले नहीं इसलिए यहां चला आया।
अंकल के जाने के बाद मैं फैक्ट्री में ज्यादा ध्यान देता हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं अजय। मिस्टर राजा, अंकल के केस में आपके हर सवाल का जवाब देना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। मिस्टर अजय, तुम सपना से प्यार करते हो? जी हाँ। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? जी हाँ। इस बात को लेकर तुम में और गुप्ता साहब में बहस हुई थी? जी हाँ। झगड़ा जायदाद तक गया था? जी हाँ। और उसी गर्मा गर्मी में तुमने गुप्ता साहब का खून कर दिया? जी हाँ। जी, जी, ये मैं क्या कह गया? मिस्टर राजा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ ये बात। और जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो वो तुमने हकीकत में कर डाला। मिस्टर राजा, आप मुझ पर जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हैं। बिलीव मी, इस कत्ल के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। देखो अजय, एक बात याद रखो, गुनहगार चाहे लाख कोशिश कर ले अपना जुर्म छुपाने की, लेकिन एक न एक दिन वो राजा के सामने आ जाता है। सर सर सर, आपका दूध और आज का अखबार। जरा पवन। सर सर, दूध पहले पियेंगे, अखबार पहले पियेंगे। सर सर, अखबार देखिए सर, इंटरेस्टिंग फोटो देखिए सर। सर सर, देखिए तो सही सर सर। जो देखना चाहिए वो तुम्हें दिखता ही नहीं है, जाके देखो वहां क्या है। सर सॉरी सर। सर सर, ये देखिए सर, अखबार छोड़िए, ये फोटोग्राफ देखिए सर, बड़ा इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है। क्या तस्वीर है सर, आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है। क्या क्या विजुअल है सर, क्या सीनरी है। गुप्ता जी का फोटो? अच्छा, इस फोटोग्राफ को और से देखो, ये ठीक गुप्ता साहब के कत्ल के समय लिया गया फोटो है। एक लड़की है जो गुप्ता साहब को खाई की ओर ढकेल रही है। लेकिन सर, ये फोटोग्राफ किसने भेजा होगा? उसी ने जिसने ये खींची है और जो हमारे सामने नहीं आना चाहता। और क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में अक्सर लोग सामने नहीं आना चाहते। एनीवे, ये इस केस का पहला अहम सुराग है जो हमारे हाथ लगा है। फोटोग्राफ तो यहीं से लिया गया है। यस सर। यस अवन। यस सर। आई थिंक वी शुड गेट समथिंग हियर। राइट सर, ढूंढो। रेंचो? सर, ये फिल्टर जली हुई नहीं, तोड़ी हुई सिगरेट का है। और हाल ही में एक ऐसे आदमी से मिला हूं जिसकी ये खास आदत है। हेलो। अरे राजा साहब, आप यहाँ? और ये गुप्ता जी का बंदर आपके साथ कैसे? हाँ, ये अब मेरे साथ रहता है। राकेश जी, मुझे आपसे दो काम है। जी। एक तो मुझे अपनी पेंटिंग बनवानी है, बताइए तो कितने दिन लग जाएंगे? अगर आप पूरा वक्त दें सर तो 7 दिनों में बस। और दूसरा काम, इस फोटोग्राफ का भी एक पेंटिंग चाहिए मुझे। जी। तुम एक अच्छे चित्रकार हो ये तो हम जानते थे, लेकिन इतने अच्छे फोटोग्राफर हो ये बात आज ही मालूम पड़ी है। जी, मैं समझा नहीं। ऐसी बातें अक्सर देर से ही समझ में आती है मिस्टर राकेश। फिल्टर तोड़कर सिगरेट पीने की तुम्हारी इजाजत ने हमें बताया कि ये फोटोग्राफ तुम ही ने खींचा है। जिस वक्त गुप्ता साहब का कत्ल हो रहा था उस वक्त तुम वहां क्या कर रहे थे? नहीं नहीं राजा साहब, मेरा उस कत्ल से कोई संबंध नहीं है। तो फिर इस तस्वीर को खींचने का मतलब? जी, मैं लैंडस्केप बनाने के लिए ग्रीन हिल गया था। सोचा था कि कुछ फोटोग्राफ्स निकालकर पेंटिंग्स बनाऊंगा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा और तस्वीर खींचने को था कि मैंने देखा कि एक लड़की गुप्ता जी के व्हील चेयर को खाई की ओर धकेल रही है। सर, पहले तो मैं बहुत घबराया, लेकिन उसके बाद मैंने तुरंत ये फोटोग्राफ खींच लिया।
इस तस्वीर में एक लड़की का चेहरा है जो दिख नहीं रहा है। कौन थी वो? सर, मैंने भी उतना ही देखा जितना ये तस्वीर आपको दिखा रही है। और फिर भी तुमने उसे पकड़ना ठीक नहीं समझा? नहीं सर, वो उससे पहले वहां से भाग चुकी थी। इस तस्वीर को मुझ तक पहुंचाने का मकसद? जी, मैं चाहता था कि गुप्ता जी का कातिल पकड़ा जाए और साथ साथ ये भी चाहता था कि इसमें मेरा नाम कहीं पर इन्वॉल्व ना हो। इसका मतलब ये कि तुमने कातिल का चेहरा नहीं देखा। हाँ, 300 रुपए का। हवन? यस सर। वो जिस आदमी के बारे में तुम्हें जानकारी हासिल करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? सर, एक दो दिन में उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। एक दो दिन में? एक दिन सर। क्या है? अच्छा, ये क्या? पवन? यस सर। पवन, समझ गया सर। कितना हुआ? 60 रुपए। हेलो रीटा, कैसे हो तुम? रीटा जी, मैं रीटा नहीं, रेखा हूँ। कमाल है, पिछले हफ्ते तो मिले थे तुम्हारे घर पाली हिल में। पाली हिल? पाली हिल नहीं, मैं मालाबार हिल में रहती हूँ। अरे हाँ, मालाबार हिल, सनशाइन अपार्टमेंट, A1 अपार्टमेंट्स। आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है। सॉरी सॉरी मैडम, मालाबार हिल, A1 अपार्टमेंट। तुम? मैं राजा, डिटेक्टिव राजा। इस ड्रेस के लिए यहां आया था। अपने इस ड्रेस को देखो, अब इस तस्वीर को गौर से देखो। क्या आप भी तुम्हें गुप्ता साहब के कत्ल के इल्जाम से इनकार है? ये सच नहीं है। मैं इस खून के बारे में कुछ नहीं जानती। तो फिर ये ड्रेस तुम्हारी अलमारी में कैसे आया? मैं भी यही सोच रही हूँ राजा साहब, ये मुझे किसी की खतरनाक साजिश लगती है। तो क्या तुम गुप्ता जी को नहीं जानती? बहुत अच्छी तरह जानती थी। उनकी गाड़ी के नीचे आके मेरे पिताजी की मौत हुई। क्या? और मैं इस जगह भी गई थी। उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने, उनका खून करने नहीं। देखो बेटी, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है, इसीलिए तुम्हारी सहायता के लिए मैं हमेशा हाथ आगे बढ़ाता हूं। लेकिन यकीन करो, उस एक्सीडेंट में गलती तुम्हारे पिताजी की थी, मेरी नहीं। और एक बात मत भूलो बेटे, मैं भी तुमसे कम बदनसीब नहीं हूं। उस एक्सीडेंट में अगर तुमने अपने पिता को खोया है तो मैंने भी तो अपने दोनों पांव खोए हैं। आज यही कहने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। बीती बातों को भूल जाओ ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं और आप अपने गुनाह से छुटकारा पा सके। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और ये बात कोर्ट में साबित हो चुकी। आप जैसे धनवान तो कानून को भी खरीद लेते हैं। रेखा, लेकिन एक बात याद रखना मिस्टर गुप्ता, कानून ने तुम्हें छोड़ दिया होगा मगर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अपने पिता की मौत का बदला लेके रहूंगी। इसका मतलब ये कि ये ड्रेस तुम्हारा है लेकिन इस तस्वीर में जो लड़की है वो तुम नहीं हो। यही सच है राजा साहब, और इस सच को साबित करने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। देखा जी, तुम एक चित्रकार हो?
जी नहीं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मेरे कॉलेज के दोस्त मिस्टर राकेश ने बनाई है। राकेश शर्मा? मिस्टर राकेश, राकेश राकेश राकेश, अरे ओहो, तो आप यहां हैं राकेश? अरे भाई थक गए क्या? तुम्हारे मालिक के कातिल का पता चल गया। कौन है? राजा हेलो हेलो हेलो, तो यही ठहरो, मैं रेखा के यहां जा रहा हूं। रैंचो चलो। हेलो, यस बोलो बांडे। यस, अच्छा तो वो दोनों फिंगरप्रिंट्स एक ही व्यक्ति के हैं? दोनों का कत्ल तूने ही किया है। हाँ राजा साहब, किसी ने राकेश का खून किया है। जब आप उससे पूछताछ करके मेरे घर से गए थे तो मैंने राकेश को फोन किया था। अच्छा, राजा तुम्हारे यहां तहकीकात करने के लिए आया था? एक मिनट। अरे अजय, क्या बात है ऐसे अचानक? मौत अचानक ही आती है। क्या बक रहे हो? मौत बकती नहीं, चुपचाप अपना काम कर जाती है। राकेश, हेलो। हेलो,
हेलो राकेश। माफ कीजिए, मैं राकेश नहीं उसका पड़ोसी बोल रहा हूँ। राकेश अब जिंदा नहीं है। राकेश का खून सुरवजी ने किया है। मैंने अभी भी उन दोनों को बात करते हुए सुना था। राजा साहब ये झूठ बोल रही है, मन गलत कहानी सुना रही है, क्योंकि गुप्ता साहब के साथ इसकी पुरानी दुश्मनी थी। इसने पहले उनका कत्ल किया। जब इसे पता चला कि राकेश ने इसे कत्ल करते हुए देख लिया और इसकी तस्वीर ले ली, तो इसने उसका भी खून कर दिया। तुम शायद इसी तस्वीर की बात कर रहे हो ना? हाँ, ये वही तस्वीर है। ये देखिए, देखिए राजा साहब, ये देखिए, कातिल कोई और नहीं रेखा है। देखिए अच्छी तरह से राजा साहब। तस्वीर ने तुमसे जो कहा वो तो तुमने मुझे कह दिया। हाँ, लेकिन तस्वीर ने जो मुझसे कहा वो सुनना चाहोगे? पहले तो ये कह रही है कि इसे जानबूझकर खींचा गया है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कातिल एक लड़की है। जबकि कातिल कोई लड़की नहीं है मेरे दोस्त, कातिल एक लड़का है और वो लड़का और कोई नहीं, तुम हो, तुम अजय, तुम। आप झूठ कह रहे हो राजा साहब, ये बिल्कुल झूठ है। मैं झूठ ही कह रहा होता मेरे दोस्त अगर ये तस्वीर सच ना बोलती। तुम्हारे झूठ को भी मैंने सच समझ लिया होता अगर तुम एक गलती ना कर पाई। गलती? कौन सी गलती? इस खेल में तुमने सारे पांसे सही फेंके आ जाए सिवाय एक के, और उस एक भूल ने तुम्हारे सारे अरमानों पे धूल फेर दी। गुप्ता साहब का कत्ल करते वक्त तुम अपने कान की बाली उतारना भूल गए थे दोस्त। अब कान को हाथ लगाने से क्या फायदा आ जाए? ना तुम उस दिन जुर्म का हाथ पकड़ते, ना आज कान को हाथ से पकड़ना पड़ता। सर, भीखों की टैक्सी में मिले शराब की बोतल पर जो उंगलियों के निशान थे वो इसे तिवारी के हैं, और इसने इकरार भी किया है कि भीखों का खून अजय ने किया है। गुड। और सर, गुप्ता साहब की फैक्ट्री से अजय काफी माल चुराता था जिसका पता सिर्फ तिवारी को था। एक रात इसी विषय पर कुछ बात करते हुए ये दोनों टैक्सी में जा रहे थे, तब उस ड्राइवर ने, यानी कि भीखू ने, जो कभी गुप्ता साहब का ड्राइवर था, अजय को पहचान लिया और उसके करतूतों की खबर गुप्ता साहब तक पहुंचाने की धमकी दी। तब अजय ने वही भीखू का खात्मा कर डाला जिसे राकेश ने देख लिया था। और राकेश ने तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तब तुम्हें यह भी पता चला कि गुप्ता साहब अपना वसीयतनामा बदलने वाले हैं। इससे पहले कि गुप्ता साहब अपना वसीयतनामा बदलते और मैं उनकी जायदाद से हाथ धो बैठता, मैंने राकेश के साथ मिलकर एक साजिश बनाई गुप्ता साहब को मारने की। उस दिन हम लोग ग्रीन हिल पहुंचे और हमने देखा कि रेखा और गुप्ता जी के बीच में पहले से झगड़ा चल रहा था, और उस झगड़े का फायदा उठाया तुमने। रेखा के जाने के बाद रेखा के कपड़ों में तुमने गुप्ता जी को खाई की ओर धकेला और उनका कत्ल कर दिया। राकेश क्योंकि रेखा का दोस्त था इसलिए उसने रेखा की अलमारी में से कपड़े चुराए। कत्ल करने के बाद उन चुराए हुए कपड़ों को अलमारी में जाकर चुपचाप वापस रख दिया, ताकि बाद में जब मुझे रेखा की अलमारी में उसके कपड़े मिले तो मैं असली कातिल रेखा को समझूं। लेकिन मेरे दोस्त, झूठ के बादल चाहे जितने घने हों, सच्चाई भी वो सूरज है जो उन बादलों को चीर कर आखिर में बाहर निकल ही आता है और दुनिया में अपनी रोशनी फैलाता है। पहले भीखू, फिर गुप्ता साहब, फिर राकेश, क्या इन तीनों को मारने के बाद भी तुम गुप्ता साहब की जायदाद को हड़पने की उम्मीद कर सकते थे? बोया पेड़ बबूल का और सपना देखे आम का। मैं तुम दोनों को हिरासत में लेता हूं।